सत्यभामा और सत्यजीत की प्रेम कहानी में एंट्री हुई कोमल की। कौन है ये कोमल और सत्यजीत से इसका क्या रिश्ता है, जानने के लिए सुनते रहिए तुम्हारे लिए आपके अपने बुक ऑडियो पर। हेलो, अनजान नंबर से लगातार फोन आने पर अंततः भामा ने फोन उठा ही लिया। हेलो, मैं कोमल बोल रही हूँ। कौन कोमल? मैं किसी कोमल को नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं आपको जानती हूँ सत्यभामा जी, और आपसे मिलना चाहती हूँ। पर मैं क्यों मिलूँ आपसे? भामा ने कहा। क्योंकि मुझे आपसे सत्य के बारे में बात करनी है। मुझे अपने सत्य के बारे में किसी से कोई बात नहीं करनी है। भामा का मन बेचैन हो उठा, फिर भी उसे किसी अजनबी से बात करना उचित नहीं लगा। क्यों नहीं सुनना चाहती हैं आप मेरी बात? आपको सुनना ही होगा। अच्छी जबरदस्ती है, भामा ने कहा। हाँ है जबरदस्ती, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का सवाल है। ठीक है, कहाँ मिलना चाहती हो? अंततः भामा को उसकी जिद के सामने झुकना ही पड़ा। मैं आपके दरवाजे पर ही खड़ी हूँ। ओके, कहते हुए भामा ने खुद ही दरवाजा खोला। सॉरी, मुझे आपसे जबरदस्ती करना पड़ा, कोमल ने कहा। ठीक है, कहिए क्या कहने आई हो? भामा ने पूछा। आप सत्य से शादी के लिए मना कर दीजिए, कोमल ने कहा। क्यों? क्योंकि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, कोमल ने कहा। ये तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं, भामा ने कहा। यदि मेरी बात नहीं मानेंगी तो आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी, कोमल ने कहा। आपको जो भी कहना है सत्य से कहो, मुझसे बात करने से कोई फायदा नहीं है, भामा ने कहा। थक चुकी हूँ मैं उससे बात कर करके, और अब तो उसने मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया है, मुझसे बात करना भी उसे पसंद नहीं है, कोमल ने कहा। फिर तो तुम एकदम गलत जगह आई हो, भामा ने कहा। भामा जी, मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ, कोमल ने रोते हुए अपने पर्स से एक फोटो निकालकर दिखाते हुए कहा। ये देखिए। ये सब मुझे क्यों दिखा रही हो? कोमल और सत्य की एक साथ फोटो देखकर भामा के पांव तले जमीन खिसकने लगी, पर संभलते हुए कहा। क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत एक पुरुष की जीवित एक ही पत्नी हो सकती है, जो मैं बनूंगी, कोमल ने कहा। मैं अब भी आपको सलाह देती हूँ कि आप इस संबंध में सत्य से बात कीजिए। आपने अपनी बात पूरी कर ली है तो ठीक है। मेरा काम आपको सच बताना था, जो मैंने बता दिया है। मैं चलती हूँ, कहते हुए कोमल जाने लगी। तुम भी यहाँ पहुँच गई? सत्य ने भामा के घर से कोमल को निकलते देखकर कहा। अभी तो सिर्फ यहाँ तक आई हूँ, जरूरत पड़ी तो थाने भी पहुँचूंगी, सत्य के पीछे पीछे पुनः भामा के घर आ गई। ये लड़की मुझे क्यों परेशान कर रही है? सत्य भामा ने उन दोनों को देखते ही कहा। ये मेरे घर काम करने वाली मेड की बेटी है भामा। हाँ हूँ मैं तुम्हारी नौकरानी की बेटी, और नौकरानी की बेटी हूँ तो क्या मुझे अपने सपने देखने का अधिकार नहीं है, कोमल ने कहा। मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि मेरे घर से चली जाओ, भामा ने कहा। तुम बड़े लोगों की यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती। एक बार सत्य से मेरी शादी हो जाने दो, फिर बताती हूँ मैं तुम्हें, कहते हुए कोमल चली गई। भामा, मेरी बात तो सुनो। अपने कमरे में जाती हुई भामा के पीछे पीछे जाते हुए सत्य ने कहा। क्या सुनाओगे सत्य? अब तक तो मैं यही इंतजार करती रही कि तुम मुझे अपने जीवन की वो सब बातें बताओगे जो मैं दूसरों से सुनते आई हूँ, पर नहीं, तुमने तो जैसे कसम खा रखी है मुझसे सब कुछ छुपाने की, भामा ने कहा। बोलो भामा, मुझे गालियां दो, चाहे तो थप्पड़ भी मारो, मैं गुनहगार हूँ तुम्हारा। मैंने बहुत बार कोशिश किया कि अपनी सारी गलतियों के बारे में तुम्हें बताऊं, पर हिम्मत नहीं कर पाया। क्यों सत्य, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मैंने कितने बार कहा है तुमसे कि मुझसे मिलने से पहले तुम क्या करते रहे, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, पर मुझे तुम्हारे बारे में उन सब बातों की जानकारी होनी चाहिए जिसका प्रभाव हमारे आने वाले जीवन पर पड़ सकता है, भामा ने कहा। माँ ने तुम्हें बताया है ना, मुझ में कोई अच्छाई नहीं थी। हाँ, कोमल से मेरे रिश्ते रहे हैं,
और इसके लिए उसने ही मुझे आमंत्रित किया था। बदले में मैंने उसे वो सब कुछ दिया जो वो चाहती थी। और पिछले 2 सालों से जब से मेरी मुलाकात तुमसे हुई है, मुझे ब्लैकमेल कर रही है कि मुझे उससे शादी करनी ही होगी। सत्य ने कहा, पिछले 2 साल से ये सब चल रहा है और तुम मुझे अब जाकर बता रहे हो। भामा ने कहा, उस दिन जब तुमने मुझे सोनल के साथ गार्डन में देखा था, तो उस दिन भी वो मुझसे आखिरी बार मिलने की जिद कर रही थी और मैं उसे मना नहीं कर पाया था। सोनल ने मुझे फोन करके बताया था कि तुम उसके घर गई थी। कहते हुए सत्य ने भामा का हाथ पकड़ना चाहा। नहीं सत्य, नहीं, तुमने मुझे खुद की नजरों में गिरा दिया है। बहुत नाज था मुझे अपने प्यार पर, पूजा था मैंने तुम्हें। भामा ने अपना हाथ छुड़ा लिया। ऐसा मत करो भामा, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलतियां हुई हैं, और सबसे बड़ी गलती मैंने तुमसे अपना अतीत छुपाकर की है, पर अब मैं तुम्हारे प्यार के बिना नहीं जी पाऊंगा। सत्य ने कहा, प्लीज सत्य, तुम इस समय मुझे अकेला छोड़ दो। भामा ने कहा। भामा ने सत्य को अपने घर से तो जाने के लिए कह दिया, पर उसके जाने के बाद खुद को ठगा सा महसूस करने लगी। देर रात तक रोती रही और रोते रोते ही कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह आंख खुली तो रोज की तरह उसने सबसे पहले मोबाइल में रोज की तरह सत्य का सुप्रभात का मैसेज देखने लगी और तब उसे कल की घटनाएं याद आई। अब उसकी नजर बार बार मोबाइल पर ही पड़ने लगी कि शायद अब सत्य का फोन आ जाए, पर उसका फोन भी नहीं आया। थक हार कर उसने खुद ही पहले सत्य को मैसेज किया, पर प्रति उत्तर ना आने पर फोन लगाया तो फोन स्विच ऑफ था। भामा का मन किसी अनजान भय से कांप उठा और एक पल के लिए जैसे ही उसके मन में ख्याल आया कि सत्य को उसने खो दिया है, तो वो बेतहाशा दौड़ते हुए दरवाजा खोलकर बाहर निकली। सामने लॉन में सत्य को पड़ा देख उसके होश उड़ गए। अब कैसी तबीयत है डॉक्टर साहब इनकी? भामा ने पूछा। ठीक है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। रात भर ठंड में रहने के कारण बेहोश हो गया है। घबराने की कोई बात नहीं है, होश आते ही इन्हें गर्म कॉफी दे दीजिएगा, डॉक्टर ने कहा। ठीक है डॉक्टर साहब। पारो, डॉक्टर साहब का बैग गाड़ी तक छोड़ दो, भामा ने कहा। ये क्या पागलपन है सत्य, भामा ने कॉफी आगे बढ़ाते हुए कहा। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। प्लीज भामा, मुझे माफ कर दो। मैं चाहूं भी तो खुद को तुम्हें प्रेम करने से नहीं रोक सकती। सत्य भामा तड़प उठी। मैं तुम्हें हर हाल में खुश देखना चाहती हूँ, पर मैं तुम्हारे बिना खुश नहीं रह सकता भामा। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलतियां हुई हैं, पर तब जब मुझे एहसास नहीं था कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो गलत है। मेरा यकीन मानो भामा, मेरे आसपास का माहौल ही कुछ ऐसा था कि ऐसा कहकर तुम्हारी गलती छोटी नहीं हो जाती है सत्य। माना कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, पर तुम्हारी गलतियों को अनदेखा नहीं कर सकती, भामा ने कहा। तुम जो सजा दोगी मुझे मंजूर है भामा, पर प्लीज मुझे खुद से दूर मत करो, सत्य ने कहा। फिलहाल तुम आराम करो सत्य, मैं तुम्हें दवाई देती हूँ। कहते हुए भामा के दवाई देने के बाद सत्य को नींद आ गई। पारो, देखो तो कौन है? कॉल बेल बजते ही भामा ने कहा। कोई कोमल है दीदी, पारो ने दरवाजे से ही आवाज लगाई। फिर आ गई तुम, भामा ने कहा। मैंने सोचा कि आप सत्य से प्रेम करने का दावा करती हैं, तो आपको एक बार अपना निर्णय बता ही दूं कि यहाँ से मैं सीधा पुलिस के पास जाने वाली हूँ और ये रिपोर्ट लिखाने कि शादी का झांसा देकर सत्य ने मेरा शोषण किया है, कोमल ने कहा। पर तुमने तो बताया था कि हाँ, ये बात सच है कि मैंने ही सत्य की ओर कदम बढ़ाया था, पर ये सिर्फ हम जानते हैं और कोई नहीं, कोमल ने बेशर्मी से कहा। आखिर तुम चाहते क्या हो? भामा ने हार कर पूछा। सत्य से शादी, कोमल ने कहा। और नहीं हुआ तो? भामा ने पूछा। कम से कम 7 साल के लिए तो जेल जाना ही होगा, ये तुम भी जानती हो,
मुझे ये साबित करने में कोई मुश्किल नहीं होगी कि सत्य ने मेरे साथ तुम्हारे बीच जो भी संबंध रहा हो, पर इसके जिम्मेदार तुम भी तो हो, भामा ने कहा। तो क्या तुम ये नहीं जानती हो कि हमारा कानून हम महिलाओं के पक्ष में है, कोमल ने गर्व के साथ कहा। हाँ है, पर शोषित और ठगी गई महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए इस कानून को बनाया गया है, भामा ने कहा। अब इतने भोले भी मत बनो भामा, क्या तुम ये नहीं जानती कि मैं जो कहूंगी ये अंधा कानून वही देखेगा और सुनेगा। क्या तुम्हारा प्रेम इतना स्वार्थी है कि सत्य को पाने के लिए उसे जेल भी भेज सकती हो, कोमल ने कहा। तो क्या चाहती हो तुम, भामा ने कहा। कहा तो कि सत्य से शादी से कम कुछ भी नहीं, कोमल ने कहा। जो कभी नहीं हो सकती, आत्महत्या कर लूंगा या फिर तुम्हें ही मार डालूंगा, पर अब तो तुमसे शादी किसी भी हाल में नहीं करूंगा, सत्य ने कहा। तो तुम भी यही हो, कोमल ने कुटिल हंसी के साथ कहा। तुम प्लीज बाहर बैठो, मैं सत्य से बात करती हूँ, सत्य को आवेश में कोमल की ओर बढ़ते देख भामा ने कहा। ठीक है, मैं बाहर तुम्हारे निर्णय का इंतजार कर रही हूँ, कोमल ने कहा। सत्य, कितना चाहती हूँ मुझे, कोमल के जाते ही भामा ने पूछा। ये भी कोई पूछने की बात है भामा, मैं जो मांगू वो दोगे मुझे? चाहो तो आज मालो भामा, सत्य ने कहा। तो मेरी एक बात मानोगे? कहो, क्या चाहती हो, सत्य ने पूछा। तुम कोमल से शादी कर लो, भामा ने अपने दिल पर पत्थर रखकर कहा। नहीं, सत्य की बातों में दृढ़ता थी। तुमने तो अभी अभी मुझसे कहा था कि जो कहूंगी करोगे, भामा ने कहा। तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो तो चली जाओ, मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, और इसीलिए मैं तुम्हें कभी अपने प्रेम की दुहाई देकर पाना नहीं चाहूंगा, पर मैं कोमल जैसी लड़की के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता, सत्य ने कहा। यहां सवाल मेरे दूर जाने का नहीं है सत्य, मैं तुम्हें सुरक्षित करना चाहती हूँ। कोमल किसी भी हद तक जा सकती है, और तुम्हारे लिए यही सही होगा कि कोमल से। ये मुझसे नहीं होगा भामा, यदि तुम मेरी जिंदगी में नहीं आई होती तो शायद मैं सोचता भी, लेकिन तो ये मान लो सत्य कि मैं हूं ही नहीं, तुम अब मेरा अस्तित्व बन चुकी हो भामा। वही तो मैं तुमसे भी कह रही हूँ सत्य, कि मेरा प्यार किसी विवाह बंधन का मोहताज नहीं है, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ कि तुम्हें कोमल से शादी करनी ही होगी, भामा ने कहा। ये तुम गलत जिद कर रही हो भामा, तो गलत ही सही, पर तुम्हें कानून के पचड़े से बचाने के लिए ये गलती जरूरी है सत्य, प्लीज, कहते हुए भामा हाथ जोड़कर घुटने के बल बैठकर रो पड़ी। ठीक है भामा, तुम जो चाहोगी वही होगा, सत्य ने भी भामा के सामने घुटने टेक दिए। क्या सत्य भामा के जिद के आगे सत्यजीत झुक जाएगा और कोमल को अपनी जीवन साथी बना लेगा? क्या सत्य भामा रह पाएगी सत्यजीत के बिना? जानिए कहानी के अगले भाग में।